लेंसेस चैप्टर के सबसे स्मार्ट टॉपिक में अगर आप देखें तो दो ऐसे टॉपिक है जो थोड़ा इश्यूज जो है क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक आपने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप यहाँ पे ब्रीफ में समझ लेते हैं हम लोग। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहला तो डायग्राम है जो कि थोड़ा इश्यू करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये हो गया आपका डायग्राम। यहाँ पे इसका फोकस बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का फोकस, यहाँ एफ ओ लिख लीजिए। ये आई पीस है तो आई पीस का फोकस थोड़ा बड़ा होगा तो ये एफ ई हो गया, और इधर आई पीस का फोकस जितना इधर उतना इधर होना चाहिए तो ये एफ ई हो गया। क्लियर? अब देखिए डायग्राम बनाते वक्त आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रख देते हैं, डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको रब करते हैं, फिर इधर बनाते हैं, थोड़ा फिर रब करते हैं। ये सब कुछ नहीं करना है, जितना आपने बना दिया बना दीजिए बस। उसके बाद क्या करना है मालूम है, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखिए, दूर रखिए, समझा? ऑब्जेक्ट जब आप दूर रखेंगे और थोड़ा छोटा लीजिए तो देखिए आपका डायग्राम कितना ईजी बनेगा। अब ये कहाँ से पास होके जाएगा, फोकस से, और ये कहाँ से पास होके जाएगा, ये देखिए सेंटर से, ये देखिए यहाँ कट हुआ और देखिए इसी के बीच में ये बन गया डायग्राम। क्लियर? तो ये डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हैं। कैसे? बस याद रखना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको जितना दूर रखेंगे आप उतना इसके पहले ही बन जाएगा। लेकिन आप क्या प्रॉब्लम करते हो, इसको आगे रख देते हो और बनाते हो तो यहाँ पे आके बनता है और ये चीज़ बाहर निकल जाती है। क्लियर? तो बार बार रब नहीं करना है, दो बार एक बार बना दीजिए, इसको जितना इधर रखेंगे साइड में उतना अच्छा जल्दी डायग्राम बन जाएगा। ठीक है? अब ये देखिए, ये लाइट यहाँ से जाएगी, फिर ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, और ये देखिए कहाँ से पास कर रही है, इसको आप लोग पास कराइए सेंटर से, याद रखिएगा ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक? और इसको नीचे ऐसे लाइए, इसको भी यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, या तो यहाँ पे कट होगा या तो यहाँ पे कट होगा, जहाँ पे भी ये चीज़ कट हो वहाँ पे ही बनाइएगा इसको। हाँ, लेकिन इतना याद रहे, कुछ ऐसा एडजस्ट कीजिएगा कि लेंस पे ना बने, यहाँ ना बने। क्लियर? या तो इसके इधर बने या तो इसके इधर। अब ये देखिए मेरा डायग्राम बन गया। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर कि बुक में डायग्राम तो यहाँ गिवन है, ऐसा नहीं है। आप हायर क्लास में देखोगे, किसी भी बुक में आप देखोगे तो कहीं यहाँ पे बना हुआ है, कहीं यहाँ बना हुआ है। क्लियर? तो इसका सिर्फ वजह यही है कि आपका जो ये इमेज आना चाहिए ना, वो इसके इस चीज़ के इधर ही आना चाहिए, चाहे जैसे। क्लियर हुआ? तो ये देखिए, ये डायग्राम आपका बन के तैयार। अगर आपका डायग्राम कहीं इधर बन के आ जाता है तो बेफिक्र रहिए, फुल मार्क्स मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से डिस्टेंस आप क्या लोगे, यू ओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यू ओ, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, वी ओ, तो देखो वी ओ हो गया। क्लियर? अच्छा, अगर आई पीस से देखें तो आई पीस से ये डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, यू ई, आई पीस के लिए, और ये देखिए आई पीस के लिए ये डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, वी ई। क्लियर हो गया? और यहाँ पे आपकी आईज रहेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ से। क्लियर? चलिए अब इसमें देख लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको लिखना क्या है। तो आप बताएंगे कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक सेल्स, टिश्यूज एंड बैक्टीरियाज एटसेट्रा। क्लियर? इट कंसिस्ट टू कॉन्वेक्स लेंस, वन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज आई पीस। ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर इन साइज एंड हैविंग स्मॉलर फोकल लेंथ, आई पीस इज लार्जर इन साइज एंड हैविंग लार्जर फोकल लेंथ। क्लियर? बोथ लेंसेज आर फिटेड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज कैन बी चेंज्ड। इनके बीच के डिस्टेंस को हम आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके बारे अब आप एक बार फिर से सुन लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको क्या लिखना है, कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या देखते हैं, वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स देखते हैं। इसमें दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस होते हैं। ऑब्जेक्टिव छोटा होता है साइज में भी और फोकल लेंथ में भी, आईपीस बड़ा होता है साइज में भी और फोकल लेंथ में भी। दोनों लेंसेज को एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर बंद कर देते हैं, फिट कर देते हैं, और दोनों लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बस इतना ही आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताना है, बाकी डायग्राम तो आपके सामने ही है। डायग्राम बनाने के लिए मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रखेंगे तो इजीली आपका डायग्राम बन जाएगा। क्लियर? अब एक दूसरा टॉपिक सीख लेते हैं, टेलीस्कोप में ये नया जो हमारा है टेलीस्कोप, देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, वापस से वही सेम डायग्राम ही मेन है। तो डायग्राम में इस बार तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा होता है, क्लियर, और आईपीस थोड़ा सा छोटा होता है,
ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों रखते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई स्टार वगैरह आपको देखना है इससे, तो ये स्टार की लाइट अगर ऐसे आ रही है, ये देखिए, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाना है, ये आपको कैसे भी करके डायग्राम बनाना है इसके आईपीस के फोकस पे, मतलब ये किसका फोकस है, आईपीस का, तो ये आईपीस का फोकस है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि ये आईपीस का भी फोकस है और ये इसका भी फोकस है, तो ये एफ ओ, यहाँ से यहाँ तक एफ ओ है और यहाँ से यहाँ तक ये एफ ई है। क्लियर हो गया, मतलब दोनों का ही फोकस है ये। क्लियर, अब देखिए ये डायग्राम आपको बनाना ही कुछ ऐसा है कि ये जा करके यहीं पे आए फोकस पे। अब ये फोकस पे आने में फ़ायदा क्या होगा, देखिए फोकस पे आ गया, फोकस पे आने का फ़ायदा क्या है, आपको मालूम है अगर कोई चीज़ फोकस पे रखी होती है तो उसका इमेज बहुत बड़ा बनता है, ये हमने रे डायग्राम में सीखा है। इसीलिए हमने ये स्टार देखो कितना छोटा है, अगर इसको हम किसी तरह एडजस्ट करके कहाँ पे गिरा सकें, फोकस पे, तो फोकस पे क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी है तो उसका इमेज कैसा बनता है, वेरी 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 लार्ज। तो हो गया, हमारा काम बन गया, हमको बहुत बड़ा करके ही तो देखना है। तो टेलीस्कोप ये देखिए अब इस चीज़ को थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा, इसका फोकस यहाँ पे भी रहेगा, तो ये देखिए फोकस से पास हो गया, और ये देखिए सेंटर से, इसको थोड़ा सेंटर से पास करा लीजिए, यहाँ से ये सेंटर से पास हो गया, और इसको ऐसे बैक साइड लेके आइए, इसको बैक साइड लेके आइए, आप देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल रहेंगे, और कहाँ तक जाएंगे, पैरेलल हैं तो इन्फिनिटी पे ही जाएंगे, और इन्फिनिटी पे ये जो स्टार आपको दिखेगा वो काफ़ी बड़ा दिखेगा। क्लियर हो गया, तो याद रखना फोकस पे लाना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी आईज होती हैं और ये लाइट रे आपको ये एरो वगैरह दिखा देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए टेलीस्कोप का डायग्राम बन के तैयार हो गया, अब इसमें आपको क्या बताना है ध्यान समझिए। टेलीस्कोप इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल बॉडीज, टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ से रिलेटेड, सेलेस्टियल मतलब स्पेस से रिलेटेड। क्लियर हो गया, तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल बॉडीज, या तो टेरेस्ट्रियल बॉडी या तो सेलेस्टियल, किसी को भी देख सकते हैं हम। इट कंसिस्ट टू कॉन्वेक्स लेंस, प्योरली अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जैसा, इट कंसिस्ट टू कॉन्वेक्स लेंस, वन इज ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज आई पीस, ऑब्जेक्टिव इज लार्जर इन साइज एंड आई पीस इज स्मॉलर इन साइज, ऑब्जेक्टिव है लार्जर फोकल लेंथ, आई पीस हैज स्मॉलर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों सिलेंड्रिकल ट्यूब में फिट होते हैं, बोथ आर फिटेड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब एंड डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी चेंज्ड। क्लियर हो गया, अगर वर्किंग में थोड़ा पूछे तो आप बता दीजिएगा कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट को हम आईपीस के फोकस पे इंसिडेंट कराते हैं, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट को हम आईपीस के फोकस पे इंसिडेंट कराते हैं, और फोकस पे इंसिडेंट कराने के बाद उसका इमेज हमको कैसा मिलता है, वेरी 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 लार्ज। क्लियर हो गया, तो ये टेलीस्कोप का वर्किंग है और एक्सप्लेनेशन है, इतना समझा। मैं वापस से आपको एक बार बता देता हूँ, टेलीस्कोप में आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल बॉडीज, इट कंसिस्ट टू लेंसेज, टू कॉन्वेक्स लेंसेज, वन इज ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज आई पीस, ऑब्जेक्टिव इज लार्जर इन साइज एंड हैविंग लार्जर फोकल लेंथ, और आई पीस है स्मॉलर इन साइज एंड स्मॉलर फोकल लेंथ। क्लियर हो गया, फिर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज कैन बी चेंज्ड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा क्यों रखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव इसलिए बड़ा रखा जाता है कि जिससे ये जो छोटा सा स्टार, आपको छोटा सा स्टार मतलब दूर तो छोटा ही दिखता है, तो इसकी जो लाइट आ रही है इसको आप बड़ा रखेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके अंदर जाएगी, और जब ज़्यादा लाइट इसके अंदर जाएगी तो हम अच्छे से देख पाएंगे। क्लियर हो गया, तो ऑब्जेक्टिव इसीलिए बड़ा रखा जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है कैन बी कैप्चर्ड बाई ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर किया जा सके इसके लिए ऑब्जेक्टिव को बड़ा बनाते हैं। क्लियर हो गया, तो टेलीस्कोप में फिलहाल आपको इतना ही लिखना है, जितना मैंने आपको समझाया है वो ध्यान से सुनिए और सुन करके ओन वर्ड्स बनाइए, ओन वर्ड्स में उसको बना के लिख डालिए, और ये डायग्राम मस्ट है, बिना डायग्राम के तो टेलीस्कोप में फिर आपको मार्क्स सही से नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया,